नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रवाह में। बेटा, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे हिस्ट्री सब्जेक्ट की मार्किंग स्कीम क्लास 12th के लिए, जिसका सब्जेक्ट कोड है 027। बेटा, आज जो आपने CBSE मिड टर्म का एग्ज़ाम दिया है मॉर्निंग शिफ्ट में, ये उन मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों के एग्ज़ाम की आंसर की है। इवनिंग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसको आप आंसर की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो बेटा, क्वेश्चन पेपर के साथ जल्दी से मिलान कर लीजिए अपने सही और गलत उत्तरों का। जो आंसर सही हैं उन पर आप लोग अपने मार्क्स दे दीजिए, और जो गलत हैं उनका सही विकल्प पर चयन कर लीजिए। तो बेटा, शिक्षा प्रवाह पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आपके CBSE सैम्पल पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर, CBSE अपडेट्स, आंसर की पेपर सॉल्यूशन के लिए आप शिक्षा प्रवाह को सब्सक्राइब जरूर करें। खंड का सॉल्यूशन यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो आप लोगों की जो आंसर की प्रिपेयर की गई है, जो मार्किंग स्कीम बनाई गई है, उसके अंदर आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो कौन से पेज नंबर पर आपको मिलेगा, आपकी पाठ्य पुस्तक के यानी कि जो आपकी NCERT की बुक है उसके कौन से पेज नंबर पर उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आप उस क्वेश्चन को डिस्क्रिप्टिव मोड पर पढ़ना चाहते हैं तो आप उसी पेज नंबर पर अपनी बुक पर जा कर के उस क्वेश्चन को और उसके आंसर को, टॉपिक को अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आपके एक नंबर के क्वेश्चन 20 आप लोगों से पूछे गए थे MCQ खंड का में, तो अब आप लोगों का खंड खा स्टार्ट हो रहा है, और इसके अंदर आप लोगों से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो थोड़े से डिस्क्रिप्टिव मोड पर हैं। खंड गा में आपसे लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गया है, और किस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन का आंसर लिखना है उसका तरीका बताया गया है।
तो दोस्तों ये थी आप लोगों का पेपर का सॉल्यूशन आंसर की मार्किंग स्कीम। आशा करती हूँ आपका एग्ज़ाम पेपर जो है अच्छा गया होगा, अच्छे मार्क्स आप लोग अचीव करेंगे। मेरी वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों और स्कूल ग्रुप में शेयर करना है, और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑल पर सेट रखना है।